बहुत उस समय चल रहा था, जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे, ये गाना चल रहा था, ये सवाल मैंने उस वक्त भी पूछा था, आज भी आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब में कितना अंतर है। बस मैं नहीं, जो राम को कोई ला नहीं सकता है, राम तो हम सबको लाए हैं, राम मोदी जी को भी लाए हैं, राम मुझे भी लाए हैं, राम आपको भी लाए हैं, और राम को जो नहीं मानते हैं उनको भी राम लाए, योगी जी को भी राम लाए। योगी जी तो मन से कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाए। ठीक है, मैं शायद उन लोगों के तुलना में अज्ञानी हूँ, पहला दिन है, ठीक है, तो मैं माफी लेकिन राम सबको लाए हैं, हाँ, लेकिन राम लाए हैं विशेष कार्य के लिए, कुछ लोगों को लाए हैं, जैसे योगी जी को, मोदी जी को, विशेष कार्य के लिए कि आप राम मंदिर बनवाओ, आप ये करो, आप देश को मजबूत करो, राष्ट्रवाद को मजबूत करो, तो सबको विशेष प्रयोजन से राम लाए हैं, आपको भी लाए होंगे, आपको भी लाए होंगे, हम सबको लाए हैं। तो यूट्यूबर नहीं, देखिए मैंने ऊपर हेडर भी उसी तरीके का रखा है कि यूट्यूबर नहीं बीजेपी नेता कहिए, तो आज के बाद से आपका जो परिचय है वो बदल जाएगा। और यहाँ विभाग, क्या हम लोग अभी कंटिन्यू करें या फिर एक ब्रेक लें हम लोग? नहीं, पहले एक सवाल कर लेंगे। ठीक, मेरा ये सवाल था कि हालांकि आपको उनने बड़ी यूं कहें कि समझदारी से या आज परिपक्वता जिसकी बात आप कर रहे हैं कि हाँ बहुत सोच सोच के जवाब दे रहे हैं, तो आज आपके लिए रेस्क्यू थोड़ा है, लेकिन अगली बार ये रेस्क्यू नहीं होगा। मेरा सवाल नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री आप कैसे देखते हैं? सच कहूँ तो वो निहायती ईमानदार व्यक्ति है, ये बात सबको पता है, विपक्ष को भी पता है कि नीतीश कुमार जी पे आज तक करप्शन का एक भी दाग नहीं लगा। 20 साल कोई मुख्यमंत्री, 19 साल हो गया उनका, 19 साल कोई मुख्यमंत्री, हालांकि 2013 के बाद पार्टी बदला, दल बदला, सरकारें बदली बिहार में, ये बात सत्य है और ये आरोप जो है सभी ने लगाया, लेकिन नीतीश कुमार जी ईमानदार है, पहला चीज़ उनके अंदर ये क्वालिटी है। दूसरा चीज़ नीतीश कुमार जी के अंदर ये है कि वो इंडी गठबंधन में थे उस समय जब आपके भी चैनल के एक दो पत्रकारों का नाम जो है इंडी गठबंधन के लोगों ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया था और सारे चैनलों के 16 पत्रकारों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया, उस समय भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पत्रकारों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, तो नीतीश कुमार जी के अंदर कुछ खासियत है, ये बात सत्य है। और उसी खासियत बिहार में, बिहार में जो बाहर कहते हैं नीतीश कुमार हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत है और वो सुधार जो है हम सभी मिलकर करेंगे। ये सुधार ये है कि वो जो बयार है इधर उधर चलती रहती है, नहीं अब इधर उधर नहीं चलेगी, अब नीतीश कुमार जी ने भरे मंच से जो है मोदी जी को झुक के प्रणाम करते, एकदम 100%। मैं विपक्ष तो ये कहता है कि भाई इसका दावा तो नहीं, पहले ये जो कहना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अब हमारे नीतीश चाचा जी जो है हम लोग गार्जियन मानते हैं उनको, और मैं जेल से निकलने के बाद भी जो है मैं हमेशा जो है अच्छा ही बोला उनके बारे में, कभी गलत नहीं बोला हूँ, तो वो अब कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे और अब समझिए तो फेविकॉल के जोर से भी ज़्यादा मजबूत जो है NDA का गठबंधन है और नीतीश कुमार जी जो है उस गठबंधन के मुख्य सारथी, मुख्य पार्टी में से, घटक दल में से एक है, मुख्य साथी में से एक है, और वो इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले।